गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। बस मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? फाइन आई थिंक बेटे, सभी खुश रहिए। महामारी चल रही है, घर पर रहिए, सेफ रहिए। देखिए, आज हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मेन स्टैटिस्टिक्स आपकी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें बेटे आपको काफी हैवी लेसन करने पड़ेंगे, मैथमेटिकल से रिलेटेड लेसन करने पड़ेंगे। तो आपका स्टार्ट हो रहा है मीन से। मीन के बाद हम मीडियन और मोड पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम बेटे स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आने वाले हैं बेटे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, चैप्टर 9 है आज आपका, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेटे सेंट्रल टेंडेंसी और स्लैश देखिए मीन। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी बेटे, तीन वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ये तीनों मिलाकर सेंट्रल टेंडेंसीज कहलाती है। तो जो मीन होगा वो आप इस पर्टिकुलर लेसन में पढ़ लेंगे, और जो मीडियन और मोड होगा बेटे वो आप नेक्स्ट लेसन में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सबसे पहले बेटे बारी आती है कि सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय दैट सेंट्रल टेंडेंसी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एक सेंट्रल वैल्यू से होता है बेटे, जो उस पूरे की पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। या फिर सेंट्रल वैल्यू की बजाय आप इसे रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं कि सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीरीज। देखिए, जब एक सीरीज आती है तो उसमें बहुत सारे आंकड़े होते हैं बेटे, तो सारे आंकड़ों को रिमेम्बर रखना, याद करना बस इम्पॉसिबल हो जाता है बेटे। तो क्यों ना हम, ठीक है, उन आंकड़ों से कुछ निष्कर्ष निकाल ले, कंक्लूजन ड्रॉन कर ले बेटे। तो कंक्लूजन ड्रॉन करने के लिए हम उसमें से एक सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेते हैं। वो सेंट्रल टेंडेंसी आपकी मीडियन हो सकती है, मोड हो सकता है, या मीन भी हो सकते हैं बेटे। तो पूरी सीरीज को जो रिप्रेजेंट करती है एक वैल्यू, एक सेंट्रल वैल्यू जो पूरी सीरीज को, ऑल सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हम सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा आई गेस कि सेंट्रल टेंडेंसी रेफरेंस टू अ सेंट्रल वैल्यू और अ रिप्रेजेंटेड वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो एक स्टैटिस्टिकल सीरीज की सेंट्रल वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे बता रखे हैं कि इट्स डिफिकल्ट For anyone to understand or remember a large group of data. तो भाई large group of data को understand करना और remember, याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, almost impossible होता है। इतने सारे information आप सबके data थोड़ी ना याद कर पाएंगे बेटे, ठीक है। So one would like to know the critical value of the series, ठीक है। तो बेटे इसीलिए हर कोई चाहता है कि हम उस पूरी सीरीज के क्रिटिकल वैल्यू निकाले, जिससे कि उस पूरी सीरीज को याद रखा जा सके बेटे। तो इसीलिए हम एक क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं, विच रिप्रेजेंट ऑल द आइटम ऑफ अ सीरीज, जो उस सीरीज के सारे आइटम को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हमने मीन निकाल लिया, मीन आपको पता है एवरेज होती है सभी आइटम की, तो एवरेज पूरे आइटम को, ठीक है, पूरे सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि सभी डाटा को याद करना इम्पोसिबल है, तो इसीलिए उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू निकाल ली जाती है बेटे, ठीक है, जो उस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सच वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज वैल्यू। तो इन वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसीज बोलते हैं या फिर एवरेज वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड द डाटा कंसर्निंग द इनकम ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस। तो इंडिया में देखिए करोड़ों लोग रहते हैं, और करोड़ों ही लोग की बेटे इनकम बताना या इनकम याद रखना इम्पोसिबल है, ठीक है। हम कितने लोगों की इनकम याद रखेंगे? तो बेटे अब करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल ली जाती है, जिसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय बेटे। अब वो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? वो एवरेज इनकम होती है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम
कैसे निकाली जाती है? टोटल जीडीपी, जो इंडिया की टोटल जीडीपी है वैसे, उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। ठीक है, जो जीडीपी आपके निकल कर आती है, मान लीजिए ठीक है 3 करोड़, 4 करोड़, जो भी आपकी ठीक है वो डॉलर्स में होती है, यूएस डॉलर में ठीक है, और बिलियंस में होती है बेटे। तो जो भी वैल्यू निकल कर आते हैं उसे हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आया जाती है, जो कि उस पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती है, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए बता रहे हैं भाई कि हर किसी की इनकम निकालना इम्पॉसिबल है, हर किसी की इनकम बेटे याद रखना इम्पॉसिबल है। हाउ एवर इफ इट इज सैड दैट, लेकिन अगर ये कहें बेटे कि अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12 एस्टिमेट फॉर एवरेज इनकम ऑफ पीपल इन इंडिया इज 38,000 पर एनम, अगर अब हम ये बात कहें कि भाई 2011 और 12 के एस्टिमेशन के अनुसार इंडिया में जो एवरेज एनुअल इनकम वो 38,000 है, तो वो एक ज्यादा बेहतर सिग्निफिकेंस होगा, ज्यादा कंक्लूजन ड्रॉन करके देगा। उसने सभी इंडियंस की एवरेज इनकम दिखा दी। अब एवरेज का मतलब ये नहीं कि सभी 38,000 ही कमाते हैं बेटे, हो सकता है कोई करोड़ों में कमाता है और हो सकता है कोई बेचारा 2 या 4 हजार ही कमा रहा हो बेटे, बट हमने एक एवरेज वैल्यू निकाल दी और वो एवरेज वैल्यू पूरी सीरीज को, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी बेटे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें पूरी सीरीज की बजाय एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए, तो हम मीन निकाल देते हैं। ठीक है, आगे देखिए पर्पस एंड फंक्शन ऑफ एवरेज, कि भाई जो एवरेज हम निकालते हैं या सेंट्रल टेंडेंसी हम निकालते हैं उसके फंक्शन या पर्पस क्या होता है। ठीक है, पर्पस एंड फंक्शन, भाई हम ये सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे हैं, इसके कुछ तो पर्पस, कुछ तो उद्देश्य रहे होंगे, कुछ तो बेटा इसके फंक्शन है। तो सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, तो भाई ये एवरेज निकालने के बाद हमें उस सीरीज का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यानी कि संक्षिप्त विवरण मिल जाता है बेटे। ठीक है, संक्षिप्त में हम बता सकते हैं भाई कि ये रहा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्क्स आएंगे आपके जो भी आएंगे, तो सबकी हम एवरेज निकाल लेंगे भाई, परसेंटेज में कि इतनी परसेंटेज इनकी बनी है, तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसलिए कहा है कि मेन पर्पज ऑफ एवरेज इज टू प्रेजेंट अ सिंपल एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल फीचर ऑफ रॉ डाटा। तो इसका मेन उद्देश्य होता है बेटे जो रो डाटा होता है उनके प्रिंसिपल फीचर को रिप्रेजेंट करना, एज अ रिजल्ट डाटा कैन बी इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एवरेजेस की सहायता से, सेंट्रल टेंडेंसी की सहायता से डाटा को इजीली अंडरस्टूड किया जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है बेटे। तो एवरेज निकालने का सबसे पहला फायदा ये होता है, सबसे पहला पर्पज ये होता है कि हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, एक संक्षिप्त ब्यौरा मिल जाता है बेटे। जैसे आप एक बड़े लेसन की छोटी सी समरी तैयार कर लेते हो ना, आधे पेज की बेटे, ठीक है, और उस समरी से ही आप पूरे लेसन के बारे में पता लगा लेते हो, उसी तरह सेंट्रल टेंडेंसी से उस पूरे रो डाटा का, जो इतने बड़े इतने लार्ज डाटा है बेटे, ठीक है, उनकी एक सेंट्रल टेंडेंसी मिल जाती है, जिससे उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। सेकंड है कंपैरिजन बेटे, कंपैरिजन यानी कि तुलना करना, कंपैरिजन करना। ठीक है, जैसे क्लासों का कंपेयर होता है बेटे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स का कंपैरिजन हो गया, ठीक है, A1 A2 A3 A4 का कंपैरिजन हो गया, पिछले कई सालों से कंपैरिजन हो गया। तो एवरेज की सहायता से कंपैरिजन निकालना भी बड़ा आसान हो जाता है। तो एवरेज हेल्प अस इन मेकिंग द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ डाटा, तो बेटे अलग अलग डाटा का कंपैरिजन बड़ा आसान हो जाता है थैंक्स टू द सेंट्रल टेंडेंसी। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया और यूएस की बेटे पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करें, ठीक है, तो हमने क्या निकाली, यूएस की एवरेज इनकम, इंडिया की एवरेज इनकम, और दोनों को कंपेयर कर दिया बेटे, और एक कंक्लूजन निकाला कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री एज कंपेयर टू यूएस, यूएस के मुकाबले भारत एक गरीब देश है, ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया बेटे। थर्ड देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसियों का निर्माण करने में बेटे ये एवरेजेस हमारी सहायता करेगी, ये टेंथ सेंट्रल टेंडेंसी हमें सहायता करेगी। पॉलिसियां बेटे गवर्नमेंट तैयार करती है देश से रिलेटेड, ठीक है, नीतियां जिन्हें हम कहते हैं, तो उन पॉलिसी को फ्रेम करने में, उन पॉलिसी को बनाने में बेटे ये सेंट्रल टेंडेंसी गवर्नमेंट की काफी सहायता करती है। तो एवरेज हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, तो जो एवरेजेस होती हैं आपकी वो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी का निर्धारण या पॉलिसी का निर्माण करने में हमारी सहायता करती है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया पर कैपिटा इनकम 31,801 पर एनम है, विच इज मच लेस देन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बताया कि इंडिया की जो एवरेज इनकम बेटे बाकी कंट्रियों के मुकाबले बहुत कम है, वेरी लेस है, जिसके कारण इंडिया एक गरीब देश है, इंडिया इज अ पुअर कंट्री है। अकॉर्डिंगली इट बिकम क्लियर फॉर द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन सच इकोनॉमिक पॉलिसी विच कैन इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम।
तो ये कंक्लूजन निकालने के बाद कि भाई इंडिया एक गरीब देश है, तो गवर्नमेंट का सीधा सा सिंपल सा फोकस रहेगा भाई इनकम को बढ़ाने पे, ठीक है, ताकि इंडिया बाकी देशों के कंपैरिजन में आ सके। ठीक है, आगे देखिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। भाई एवरेज अगर आपने निकाल लिया है तो आप उसकी एवरेज का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विश्लेषण, एनालिसिस को क्या कहते हैं हिंदी में, विश्लेषण करना बेटे, ठीक है, तो उसका विश्लेषण करना आसान हो जाता है, उसकी गंभीरता, उसकी स्टैंस, उसकी सिक्योरिटी का हमें पता लग जाता है और हम उसका अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, अच्छे से एनालिसिस कर सकेंगे। देखिए एवरेज कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो एवरेज से हम बेटे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वन नोज द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, अगर हमें बेटे एवरेज मार्क्स पता लग जाए कि स्टूडेंट्स ने एवरेज मार्क्स कितना स्कोर किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, then one can easily analyze the subject in which the student are weak. तो हमें पता लग जाता है कि स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में बेटे वीक है और हम उस सब्जेक्ट को फिर ज्यादा सीरियसली लेना शुरू करेंगे, गंभीरता से उसे पढ़ाना शुरू करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना शुरू करेंगे। तो एवरेज हमें बेटे एनालिसिस में भी सहायता करती है, तो जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के स्कोर सबसे कम होगा, जैसे साइंस हुआ या मैथ हुआ या अकाउंटेंसी हुआ या इकोनॉमिक्स हुआ, तो उसी सब्जेक्ट में फिर एफर्ट्स किए जाएंगे बच्चों के मार्क्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एनालिसिस में भी एक सहायता करते हो। फिफ्थ है वन वैल्यू फॉर द ऑल, तो सभी वैल्यूज के लिए केवल एक वैल्यू, वन वैल्यू डिफाइन कर दी जाती है बेटे, ठीक है। देखिए वो एवरेज जो हो गई वो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, पूरी सीरीज की वो एवरेज वैल्यू है बेटे, तो वन वैल्यू फॉर ऑल, ठीक है, तो एक ही वैल्यू पूरी सीरीज को दर्शा देती है। तो एवरेज रिप्रेजेंट द यूनिवर्स और द मास ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा, तो जो सारे स्टैटिस्टिकल डाटा है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक वैल्यू उठाई गई है जो कि है मीन बेटे, तो अच्छी बात है, एक वैल्यू दिखा देती है सभी डाटा को शो कर देते बेटे। तो ये था पर्पस, आज ये असेंशियल ऑफ ए गुड एवरेज, एक अच्छी एवरेज होने के लिए क्या चीजें जरूरी होती है बेटे, देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है गुड असेंशियल्स, ठीक है, असेंशियल फॉर ए गुड एवरेज, तो एक अच्छी एवरेज यानी अच्छी मीन के लिए क्या जरूरी होता है उसके अंदर, ये पूछा गया है असेंशियल ऑफ ए गुड एवरेज, यानी एक एवरेज गुड एवरेज कब कहलाएगी बेटे, ये चीजें आपसे पूछी गई है। सबसे पहले क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन, तो सबसे पहले तो वो जो एवरेज आपने निकाली चाहे मीन चाहे मोड या मीडियन निकाली हो, एक तो सबसे क्लियर होनी चाहिए एंड स्टेबल, स्टेबल का मतलब बेटे उसमें स्थिरता होनी चाहिए, ये नहीं कि एक वैल्यू के कम या ज्यादा होने से वो एवरेज बिल्कुल ही बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे। एक वैल्यू के आने से अगर थोड़ा बहुत फर्क आता है पॉइंट का, रेशनल का, मिनिमम का, तो अच्छी एवरेज है, लेकिन एक वैल्यू के कम होने या ज्यादा होने से पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, पूरी मीन वैल्यू ही बिगड़ जाते बेटे, तो फिर वो अच्छी एवरेज नहीं है। तो इसीलिए जो एवरेज है वो स्टेबल होनी चाहिए, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एक वैल्यू के कम या ज्यादा होने से बेटे, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन, तो सबसे पहले तो उसकी परिभाषा स्टेबल रहे और साथ ही साथ एक क्लियर रहे तो वो अच्छी एवरेज कहलाएगी। देखिए ए गुड एंड सेटिस्फैक्टरी एवरेज शुड बी क्लियर एंड स्टेबल, तो जो एक अच्छी एवरेज होती है वो क्लियर और स्टेबल रहती है बेटे। सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, तो बेटे जब वो एवरेज आपने निकाली है तो वो पूरी सीरीज का, ऑल स्टेटिस्टिकल डाटा का प्रतिनिधित्व करती है बेटे, ठीक है, तो वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके पूरी सीरीज को, ऐसी वो एवरेज होनी चाहिए, तो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, पूरी सीरीज का प्रतिनिधित्व करे ऐसी एवरेज वो होनी चाहिए। तो एन एवरेज वैल्यू शुड रिप्रेजेंट ऑफ द एंटायर मास ऑफ डाटा, तो वो एवरेज वैल्यू एंटायर मास ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करे, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज, ये सीरीज के सभी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए, यानी जब एवरेज आप निकाल रहे हो तो सारे ऑब्जर्वेशन कवर हो जाएं, कोई भी ऑब्जर्वेशन छूटे ना बेटे, ऐसी एवरेज आपकी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, यानी सभी के सभी आंकड़ों को, सभी के सभी डाटा को रिप्रेजेंट करे। आगे है सिंपलिसिटी, यानी कि साधारण होनी चाहिए, वो सिंपल होनी चाहिए एकदम बेटे, ठीक है, ज्यादा सिंपल यानी आसान, जिसे समझना आसान हो उसके। एक होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, मुश्किल, कठिन, जिसमें जटिलता ज्यादा होती है, कठिनाई ज्यादा होती है, मुश्किलाहट ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो जो एवरेज वैल्यू है आपकी जो भी है, चाहे मीन मीडियन मोड है, वो सिंपल होनी चाहिए बेटे, आसान होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सिंपलिसिटी इज द अनदर असेंशियल फीचर ऑफ अ गुड एवरेज, इट मस्ट बी सो सिंपल एंड इजिली वर्कआउट, तो एकदम सिंपल होनी चाहिए और आसानी से काम करे, इजिली वर्कआउट करे, ऐसी होनी चाहिए बेटे। फोर है सर्टेनिटी,
सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। अ गुड एवरेज मस्ट बी सर्टेन इन कैरेक्टर, तो एक अच्छी एवरेज बेटे सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। ओनली देन एन एवरेज वैल्यू कैन बी यूज एज द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर वो सर्टेन होंगी, निश्चित होगी बेटे, तभी उसका यूज किया जाएगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर, अदरवाइज उसका यूज नहीं होगा, अदरवाइज वो हमारे काम की नहीं रहेगी बेटे। तो सर्टेनिटी उसके अंदर होनी चाहिए। फिफ्थ है एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है, तो एब्सोल्यूट नंबर को बेटे रिप्रेजेंट करें। अ गुड एरे शुड बी एन एब्सोल्यूट नंबर बेटे वो होनी चाहिए। अब परसेंटेज और रिलेटिव वैल्यू डज नॉट सर्व अ गुड एवरेज, वो परसेंटेज में ना हो या रिलेटिव वैल्यू में ना हो, वो एब्सोल्यूट वैल्यू में होनी चाहिए बेटे। रिलेटिव वैल्यू में वो अच्छे से कंक्लूजन नहीं दे पाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू वो होनी चाहिए बेटे, ठीक है, रेशनल नंबर में कम से कम होनी चाहिए। सिक्स्थ है लीस्ट इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन द सैंपल। हाँ बेटे, ये आया आपका कि अगर एक सैंपल को हम चेंज कर दे, एक वैल्यू को हटा के उसमें दूसरी वैल्यू को डाल दे, तो उस वैल्यू का कम से कम यानी लीस्ट इफेक्ट पड़ना चाहिए। अगर एक वैल्यू हटा के आप दूसरी वैल्यू डाल रहे हो और एवरेज सिग्निफिकेंटली चेंज हो गए बेटे बहुत ज्यादा नंबर से, तो फिर वो एक गुड सीरीज नहीं कह पा पाएगी, गुड एवरेज नहीं कहला पाएगी। तो इसीलिए बेटे सीरीज जो एवरेज है वो इस टाइप की होनी चाहिए जिसमें एक वैल्यू के कम या ज्यादा होने से ज्यादा इफेक्ट ना पड़े बेटे। ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, सिग्निफिकेंटली हाई इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर वो एक गुड एवरेज कभी नहीं कहलाएगी। तो लीस्ट इफेक्ट, कम से कम इफेक्ट पड़े बेटे, लीस्ट इफेक्ट ऑफ ए चेंज इन द सैंपल। तो अगर हम एक सैंपल को चेंज कर दे बेटे, एक सैंपल में बदलाव कर दे, कम या ज्यादा कर दे, या उसे रिप्लेस कर दे किसी दूसरे नंबर से बेटे, तो उसका कम से कम इफेक्ट पड़े, ऐसी वो एवरेज होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट बेटे एलजेब्रिक ट्रीटमेंट, अ गुड एवरेज शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल और एलजेब्रिक ट्रीटमेंट। तो बेटे एक गुड एवरेज का एलजेब्रिक ट्रीटमेंट आसानी से हो सके वो ऐसी होनी चाहिए। तो ये थे आपके एसेंशियलिटी ऑफ ए गुड एवरेज, एक अच्छे एवरेज के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी होती है, कौन कौन सी बेटे, ठीक है, असेंशियल्स होते हैं। अब आ जाइए टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज बेटे। तो आपके दो तरह के टाइप होते हैं, एक होते हैं मैथमेटिकल, एक होते हैं पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल जिसमें बेटे मैथ्स के फॉर्मूलों का यूज किया जा सकता है, और पोजिशनल होते बेटे जिन्हें ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं आपकी मैथमेटिकल एवरेजेस, इसे बेटे हम अरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज। तो मीन देखिए, मीन को हम ग्राफ के थ्रू शो नहीं कर सकते, तो मीन आपकी पूरी तरह से एक अरिथमेटिकल या मैथमेटिकल एवरेज कहलाती है, या मैथ्स के फॉर्मूलों का यूज करके बेटे मीन को निकाला जाता है। साथ ही साथ एक ज्योमेट्रिक मीन होती है बेटे, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन होती है, उसे भी हम मैथ के फॉर्मूले से निकालते हैं। और एक हार्मोनिक मीन होती है बेटे, ठीक है, उसे भी हम मैथ्स के फॉर्मूले से ही निकालते हैं। तो जो मीन निकलती है, चाहे वो सिंपल मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, या हार्मोनिक मीन हो बेटे, ये तीनों मैथमेटिकल एवरेज कहलाती है। तो आपकी स्टैटिस्टिकल जो एवरेजेस होती है वो दो टाइप की होती है बेटे, मैथमेटिकल और पोजिशनल। अब पोजिशनल का मतलब जिसे पोजिशन किया जा सके, लोकेट किया जा सके डायग्राम के अंदर बेटे। तो पोजिशनल एवरेज वो एवरेज कहलाती है जिसे डायग्राम की सहायता से रिप्रेजेंट किया जा सके। मीडियन हो गया, मोड हो गया बेटे, इन्हें हम इजिली डायग्राम की सहायता से लोकेट कर सकते हैं। मीडियन का तो मैंने बताया था, मीडियन कैसे बनाई जाती है, कैसे लोकेट की जाती है। लेस देन एवरेज कर्व हम बना लेते हैं, मोर देन एवरेज कर्व हम बना लेते हैं। लेस देन एंड मोर देन एवरेज कर्व जहां एक दूसरे को कट करती है या इंटरसेक्ट करती है बेटे, अगर हम उसको नीचे एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दे, तो वही आपकी मीडियन कहलाती है। और मोड भी बेटे जिसका जो हाईएस्ट मोड वैल्यू होती है, जो हाईएस्ट रेक्टेंगल बार जाता है या हिस्टोग्राम जाता है, वो उसकी मोड वैल्यू होती है। मोड तो आपको पता ही है, सीरीज के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसे हम मोड कहते हैं बेटे। हाईएस्ट वैल्यू तो मतलब जो हाईएस्ट बार रिपीट हुई है, सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू रिपीट हुई है वो मोड कहलाती है, उसे भी हम डायग्राम की सहायता से शो कर सकते हैं। तो इसलिए पोजिशनल वैल्यू वो वैल्यूज होती है बेटे, या पोजिशनल एवरेजेस वो एवरेज होती है विच कैन बी शोन टू द हेल्प ऑफ डायग्राम। और इसमें बेटे आपका मीडियन और मोड आता है बेसिकली, ठीक है। मीडियन से बेटे आगे दो चार और पार्टीशन वैल्यू आ जाती है, ठीक है, पार्टीशन वैल्यू। तो ये पार्टीशन वैल्यू भी हम इसकी सहायता से शो कर सकते हैं। पार्टीशन वैल्यू का मतलब होता है क्वार्टाइल, जैसे मीडियन का मतलब होता है बेटे, ठीक है, 50%। मीडियन मतलब आधा बीच का 50-50%, तो उसे हम कहते हैं मीडियन। अब जब एक सीरीज के चार इक्वल पार्ट कर दिए जाए, 25%, 25%, 25%, 25%, तो उसे कहते हैं क्वार्टाइल, क्या कहते हैं उसे, क्वार्टाइल, ठीक है।
एक सीरीज के बेटे 10 पार्ट कर दिए जाए उसे कहते हैं डिसाइल, और एक सीरीज के 100 पार्ट कर दिए जाए उसे कहते हैं परसेंटाइल। वो आप आगे फर्दर पढ़ोगे बेटे, वो पार्टीशन वैल्यू कहलाती है, वो मीडियन की सहायता से ही निकलती है। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है, उसके बाद आपका डिसाइल और परसेंटाइल निकलता है बेटे, तो इसीलिए उन्हें हम पार्टीशन वैल्यू कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा आई गेस कि दो तरह की सीरीज होती हैं, दो तरह की एवरेजेस होती है बेटे, ठीक है। एक होती है मैथमेटिकल एवरेजेस, ठीक है, जिसमें मीन आता है बेटे, और दूसरी होती है आपकी पोजिशन एवरेज, जिसमें मीडियन और मोड आता है। अब आ जाइए अरिथमेटिक मीन के ऊपर, क्योंकि ये लेसन पूरा अरिथमेटिक मीन पे है, तो हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं बेटे, अरिथमेटिक मीन। देखिए अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेजेस, ठीक है, मीन निकालेंगे अब हम बेटे, ठीक है, जो कि आप 10th क्लास में बहुत बार निकालते आए हो। तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है, इट इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम इन अ सीरीज। तो मीन क्या होता है, सिंपल एवरेज होती है ऑल आइटम ऑफ ए सीरीज। तो इट इज एन सिंपल एवरेज, क्या होती है ये बेटे, सिंपल एवरेज होती है किसकी, ऑफ ऑल आइटम इन अ सीरीज, सारे के सारे आइटम की सिंपल एवरेज को हम, ठीक है, क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। सो इट इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम इन ए सीरीज, तो इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज इज सिंपली कॉल्ड मीन। तो जो अरिथमेटिक मीन होते हैं एक पर्टिकुलर सीरीज की, उसे हम मीन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेटे, राम ने 5 मैच खेले, श्याम ने 6, मोहन ने 7, किशन ने 8 और रवि ने 9 मैच खेले बेटे। तो टोटल मैचेस हो गए 35 और टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो गए 5, तो 35 को 5 से डिवाइड करें, 7 आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी बेटे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब देखिए टाइप ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो ये अरिथमेटिक मीन आपको पता लग गया, सिंपल एवरेज होती है, क्या होते हैं बेटे, सिंपल। अब टाइप कितने होते हैं अरिथमेटिक मीन के, एक बार ये और देख लीजिए। टाइप होता है सबसे पहले सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है बेटे, सिंपल ही हम अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। सेकेंड होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है, हम वेट दे देते हैं बेटे डाटा को, वैल्यूज को वेट्स प्रदान कर देते हैं, वो वेट्स के सहायता से हम फिर उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन आपकी निकल जाती है बेटे, ठीक है। तो सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड दो तरह की होती है आपकी, ठीक है। अब देखिए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन, तो जो मेथड होते हैं बेटे मीन निकालने के, वो कितने ही होते हैं देखिए। तो 3 तरह के मेथड होते हैं बेटे, सबको पता है, ठीक है, सबको पता है 3 तरह के मेथड होते हैं। अच्छा वन मोर थिंग, अलग अलग टाइप की सीरीज में अलग अलग मेथड लग सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए व्हाट आर द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज कितने टाइप की होती है, ठीक है, क्योंकि जो अलग अलग सीरीज होते हैं उन अलग अलग सीरीज में बेटे अलग अलग मेथड आपके लग सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ सीरीज देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है इंडिविजुअल सीरीज बेटे, इंडिविजुअल सीरीज जहाँ सिंगल सेट ऑफ डाटा होते हैं, ओनली वन वेरिएबल होता है, सिंगल सेट ऑफ डाटा, केवल एक पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी होती है और कुछ नहीं दे रखी होती बेटे, उसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। सेकेंड होता है डिस्क्रीट सीरीज बेटे, डिस्क्रीट सीरीज जहां बेटे डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जहां जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है वो कंप्लीट नंबर्स या रियल नंबर्स में गिवन होता है बेटे, कंप्लीट नंबर्स या फिर रियल नंबर्स में गिवन होता है, और साथ ही साथ उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटे आपको एक्स सीरीज दे रखी है 10, 20, 30, 40 और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 2, 8, 7, 3, ठीक है। तो ये एक आपकी डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी। देखिए इसमें कोई भी रेशनल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती, डिस्क्रीट नंबर वही नंबर कहलाता है जो कंप्लीट होता है, जो रियल नंबर्स में होता है, जो बेटे फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होता, तो उसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में सिंगल सेट ऑफ डाटा दे रखी होगी, केवल एक एक्स सीरीज दे रखी होगी बेटे और कुछ नहीं गिवन होगी आपको, केवल एक एक्स सीरीज दे रखी होगी, जैसे कि आपको दे दी मान लीजिए 15, 20, 30, 40, आपको ये सिंगल सीरीज दे दी और कह दिया मीन निकालिए, तो ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। डिस्क्रीट सीरीज में आपको वेरिएबल सीरीज और फ्रीक्वेंसी गिवन होते बेटे और ये कंप्लीट नंबर में होती है, किसमें होती है, कंप्लीट नंबर्स में होती है, रियल नंबर्स में होती है। थर्ड बार ये आते बेटे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहते हैं, ठीक है, हम प्रीवियसली बता चुके हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम कॉन्टिन्यूस सीरीज भी होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
इसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं बेटे, जिसमें एक लोअर क्लास इंटरवल होता है, अपर क्लास इंटरवल होता है, उसके सामने उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दैट, तो यहाँ आपको दे देंगे ये क्लास इंटरवल, यहाँ दे देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल हो सकता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, ठीक है। अगर हम 5 का डिफरेंस ले रहे बेटे तो फिर 10 से 15 और फिर 15 से 20, और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी की होगी 2, 7, 8, 3। ये होती है आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज बेटे। तो तीन तरह की सीरीज होती है हमारी, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, जो सिंगल सेट ऑफ डाटा होता है, सिंगल वेरिएबल गिवन होता है। डिस्क्रीट सीरीज बेटे, जिसमें कंप्लीट नंबर या रियल नंबर्स गिवन होते हैं और एक फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। और थर्ड होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज बेटे। अब हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, हम सिंपली बेटे एक पर्टिकुलर सीरीज को उठाएंगे और उसके ऊपर मीन निकालेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सीरीज की मीन निकालने के कितने मेथड होते हैं बेटे, ठीक है, कितने मेथड होते हैं। तो वैसे तो तीन मेथड होते हैं बेटे मीन निकालने के लिए। सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड, फिर होता है शॉर्टकट मेथड, और फिर होता है स्टेप डिविएशन मेथड बेटे, ठीक है। और मैं कहता हूँ तीनों ही मेथड लग सकते हैं बेटे एवरी टाइप की सीरीज में, एवरी टाइप की सीरीज में तीनों ही मेथड लग सकते हैं बेटे। तीसरा मेथड जो स्टेप डिविएशन आता है, तनीषा क्या हुआ, ठीक है, देखिए तीसरा मेथड जो स्टेप डिविएशन मेथड लगता है बेटे, उसके लिए एक कंडीशंस का होना बड़ा जरूरी है। अगर वो कंडीशन फिलअप नहीं होते बेटे तो फिर तीसरा मेथड आप इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में नहीं लगा सकते। हाँ, कॉन्टिन्यूस में तो आप लगा ही दोगे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में आप स्टेप डिविएशन मेथड नहीं लगा पाओगे जब तक कि कॉमन डिफरेंस सेम ना हो जाए बेटे। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तीसरा मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। कॉमन डिफरेंस सेम है तो डेफिनेटली तीसरा मेथड आपका यूज हो जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो बेटे। तो अब बारी बारी से एक सीरीज उठाएंगे और उसके ऊपर मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर आता है बेटे इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का। तो ये इंडिविजुअल सीरीज रह गई है बेटे यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज को अब देखिए निकालने के मुख्यतः मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेनली बेटे क्योंकि हम मेनली दो ही मेथड से इसे निकालते हैं। तीसरा मेथड जो स्टेप डिविजन होता है उसे बहुत कम यूज किया जाता है बेटे, बहुत ज्यादा कम यूज किया जाता है, बट ये बात भी फैक्ट है कि वो यूज हो सकता है। ये नहीं कि हम उसको बिल्कुल ही नकार दें कि वो यूज हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली वो मेथड भी यूज हो सकता है बेटे। लेकिन बुक में इंडिविजुअल सीरीज को निकालने के दो ही मेथड आपको दे रखे हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट बेटे, ठीक है। स्टेप डिविजन दे ही नहीं रखा, लेकिन मैं आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि डेफिनेटली स्टेप डिविजन मेथड भी यूज हो सकता है। तो इंडिविजुअल सीरीज की मैं बात कर रहा हूं बेटे, दो मेथड आपको इसके लगाने हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है बेटे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट मेथड निकाला जाता है x बार इज इक्वल टू, x बार का क्या मतलब होता है, मीन बेटे, मीन एवरेज। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ x, जितने भी हमें वेरिएबल दे रखे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है बेटे, सिंगल सीरीज गिवन होंगी, सिंगल सेट ऑफ डाटा गिवन होंगे, तो सारे डाटा को हम जोड़ देंगे और उसे हम बेटे उसके n से यानी कि नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी डायरेक्ट मेथड से मीन निकल आएगी बेटे। सेकंड मेथड होता है इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड बेटे, ठीक है, शॉर्टकट मेथड। अगर आपको वैल्यूज रिलेटिवली थोड़ी हाई दे दे, हाई वैल्यूज दे दे बेटे, जिन्हें जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाए बेटे, तो फिर हम उसे छोटा कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड की सहायता से, ठीक है, शॉर्टकट मेथड की सहायता से बेटे। तो शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में हम मीन कैसे निकालेंगे बेटे, फॉर्मूला आपके पास आ रहा है अगेन, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। मीन इज इक्वल टू ए प्लस बेटे, पहले तो हमें यहाँ पर एक अज्यूम मीन माननी पड़ेगी, अपने हिसाब से हम किसी भी वैल्यू को अज्यूम मीन मान सकते बेटे, जरूरी नहीं है मिड वैल्यू को माने, कोई भी वैल्यू हो सकती है, पहली भी आखिरी भी या मिड वैल्यू भी बेटे। 10th क्लास में आप लोग बता रहे थे क्लास के अंदर बेटे कि मिड वैल्यू को हम लेते हैं, ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी और वैल्यू को ना ले बेटे। पहली वैल्यू भी ली जा सकती है, सेकंड भी ली जा सकती है, और मिड वैल्यू भी ली जा सकती है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ए प्लस सिग्मा ऑफ डी डिवाइड बाय एन बेटे, ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं आपके इंडिविजुअल सीरीज से मीन निकालने के बेटे। तो मैं इन दोनों मेथड से बारी बारी से मीन निकालता चलता हूं बेटे, देखिए, ठीक है। ये रहा आपका इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, डायरेक्ट मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड बेटे आपका हो गया।
तो मैं बारी बारी से दोनों मेथड से आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाऊंगा और करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे कह रखा है इलुस्ट्रेशन में कि पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन, तो 10 बच्चों के पॉकेट अलाउंस दे रखे हैं, तो एन यहाँ पर सिंपल सी बात है 10 हो चुका है बेटे, क्योंकि 10 स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, तो एन यहाँ पर 10 आ चुका है। अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि पॉकेट अलाउंस कितने कितने गिवन है बेटे, ठीक है, पॉकेट अलाउंस कितने आपको गिवन है। तो इसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूं पॉकेट अलाउंस का, ठीक है, ये आपको पॉकेट अलाउंस की टेबल दे दी बेटे। ये हमको पॉकेट अलाउंस की टेबल गिवन है यहां पर देखिए, ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स की गिवन है बेटे, तो एन तो 10 हो ही चुका है। देखिए पहले स्टूडेंट को मिलते हैं ₹15 पॉकेट अलाउंस, दूसरे को मिलते हैं 20, तीसरे को मिलते हैं 30, चौथे को मिलते हैं ₹22 बेटे, पांचवे को मिलते हैं ₹25, ठीक है, छठे को मिलते हैं 18, फिर 40, फिर 50, फिर 55 और फिर बेटे ₹65। तो ये 10 बच्चों के आपके दे दिए कि इन 10 बच्चों को पॉकेट अलाउंस ये मिलता है बेटे, ठीक है। आपसे कहा गया है कि एवरेज पॉकेट अलाउंस निकालिए, व्हाट इज एवरेज पॉकेट अलाउंस, और एवरेज के लिए सबको पता है मीन का यूज किया जाता है, तो हमें अब इन स्टूडेंट की एवरेज पॉकेट अलाउंस बेटे निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एक्स। इस सिग्मा का बेटे क्या मतलब होता है, सम, सम करना या एड करना बेटे। ये सिग्मा बहुत ज्यादा यूज होगा आपके स्टैटिस्टिक्स में बेटे, बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इस सिग्मा को आप ध्यान रखें। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, कि हम वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बेटे, ठीक है। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड करना, तो सिग्मा ऑफ एक्स यानी हमें इन सभी वैल्यूज को ऐड करनी है बेटे, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, तो उस तरह से हमारी मीन निकल आएगी बेटे। तो अब हमें ये दे रखा है पॉकेट अलाउंस 15 हो गया, 20 हो गया, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65, तो ये सब हमें दे रखा है, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है बेटे। तो ऐड करना शुरू कीजिए, देखिए 65 और 55 कितने होते हैं बेटे, 120, 120 और 50 कितने होते हैं, 170, 170 और 40 कितने होते हैं, 210, 210 और 25 कितने होते हैं बेटे, 210 और 25 होते हैं 235, 235 और 40 कितने होते हैं बेटे, 235 और 40 होते हैं 275, 275 और 15 कितने होते हैं 290, 290 और 50 कितने होते हैं बेटे 340, तो टोटल इनका 340 हो चुका है। तो ये देखिए सिग्मा ऑफ एक्स आपका आ चुका है 340, 340, इसे हम एन से डिवाइड करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर थे 10 बेटे, तो 340 को 10 से डिवाइड किया, ये आपका आ गया 34, तो एवरेज पॉकेट अलाउंस आपका कितना आ चुका है 34 बेटे। ये था आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड ये आपका था बेटे, जिसमें हम मेन इजिली निकाल देते हैं। रिमेंबर मैंने ऊपर लिखा हुआ है इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। दो मेथड हम मेनली यूज करते हैं, मुख्यतः हम दो ही मेथड यूज करते हैं बेटे, जो कि तीसरा होता है ना शॉर्टकट मेथड, सॉरी शॉर्टकट तो यूज होगा, स्टैक डिविएशन मेथड जो होता है बेटे बेसिकली, उसका हम बहुत कम यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा कम यूज करते हैं, क्योंकि वो एक कंडीशन पर भी तो डिपेंड करता है ना, कि अगर डिफरेंस सेम है तो ही वो मेथड यूज होगा बेटे, तो फिर हम उस कॉम्प्लेक्सिटीज में, उस कठिनाई में अपने आप को डालते ही नहीं है, तो हम उस मेथड को फिर कंसीडर करते ही नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वो मेथड यूज ही नहीं हो सकता, वो मेथड डेफिनेटली यूज हो सकता है बेटे, डेफिनेटली उस मेथड को भी हम यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड आपका कंप्लीट हुआ, अब हम आ जाते हैं शॉर्टकट मेथड बेटे। तो शॉर्टकट मेथड में हम पहले फॉर्मूले पे नजर डाल के देखते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड का एक बार फॉर्मूला आप देखिए क्या दे रखा है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ डी डिवाइड बाय एन बेटे। तो काफी चीजें यहाँ पर दे रखी है, आप यहाँ पर जानना चाहोगे कि ये ए क्या है, तो भाई ये ए कुछ नहीं है, ये है अज्यूम्ड मीन बेटे। व्हाट इज मीन बाय दिस, दिस इज द अज्यूम्ड मीन, अज्यूम मीन जो हमने खुद मानी है, अज्यूम यानी कि मानना, अज्यूम करना बेटे, ठीक है। तो ये अज्यूम मीन है आपकी, जो आपको खुद माननी है, खुद कंसीडर करनी है बेटे, ठीक है। जो आपको गिवन होगी वैल्यू, उनमें से एक वैल्यू को आपको अज्यूम मीन के रूप में खुद मानना है, ठीक है। जैसे वो अज्यूम मीन आप मानोगे, वैसे ये बेटे सिग्मा तो पता ही है आपको, ऐड करना है, ठीक है। एक बार डी निकल आए तो डी को मैं ऐड करके सिग्मा ऑफ डी निकाल लूंगा। डी का मतलब होता है बेटे डिविएशन, ठीक है, डी का मतलब होता है डिविएशन निकालना बेटे,
और ये डिविएशन निकलता कैसे है, ये डिविएशन निकलता है x माइनस a करके, ठीक है। a तो आपको पता लगी होगा, अजोमेन है। x क्या है, x वो सीरीज है जो आपको गिवन होगी बेटे, जैसे यहाँ पर ये पॉकेट अराउंड दे रखा है, ये आपकी x सीरीज है, तो इसे x मानने के बेहतर, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, शॉर्टकट मेथड का बेटे, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, ठीक है, समझाने की काफी कोशिश की है, बाकी जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको आई होप बैकली समझ आ जाएगा। तो फिर से मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या है, मीन का शॉर्टकट मेथड से a प्लस सिग्मा ऑफ d डिवाइड बाय n, और ये हम किस केस में निकाल रहे बेटे, इंडिविजुअल सीरीज में, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में कहीं भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो इसीलिए फॉर्मूले में आपको कहीं भी f का यूज नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट सीरीज पर मूव करोगे डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट में तो बेटे फ्रीक्वेंसी होती है, तो वहां फॉर्मूला आपका बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम इंडिविजुअल सीरीज से निकाल लेते हैं क्या, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं बेटे, अरिथमेटिक मीन। तो सिंपल सा हम वही डाटा उठा लेते हैं जो हमने इस वाले में उठाया था बेटे, ठीक है, इस वाले में हमने उठाया वही वही डाटा हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं यहां पर निकाल लेता हूं एक्स सीरीज, एक्स सीरीज, और यहां मैं निकालूंगा इसका डी, यानी कि डिविजन एक्स माइनस ए बेटे। बस मुझे ये दो ही कॉलम चाहिए, मुझे कोई और कॉलम की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे पास एक तो डी आ जाए मेरा बस, और ए तो मैं खुद अपने आप ले ही लूंगा बेटे, एन वही आपका है नंबर ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगेन आपके 10 ही है बेटे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं रहेगी, ठीक है। तो देख लीजिए अब आप कि क्या आता है, देखिए एक्स सीरीज आपको यही डाटा गिवन है, ठीक है, इन्हीं को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखिए 15 हमको दे रखा था, 15 के बाद मुझे बेटे 20 दे रखा था, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद 22 है, 22 के बाद है 25, 25 के बाद है 18, 18 के बाद है 40, 50, 40 हो गया, 50 हो गया बेटे, 50 के बाद 55 और है 65, ठीक है। तो अगेन मैंने वो प्रीवियस क्वेश्चन को ही कंटिन्यू किया है, इस क्वेश्चन में मैंने अरिथमेटिक मीन निकाल कर दिखाई थी बेटे डायरेक्ट मेथड से, अब मैं निकाल कर दिखाऊंगा आपको किस मेथड से, सॉरी शॉर्टकट मेथड, किस मेथड से बेटे, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो अब शॉर्टकट मेथड से सबसे पहले मुझे ए मानना है, अज्यूम मीन निकालने बेटे। कई बच्चों ने कहा था मिड वैल्यू, डेफिनेटली आप मिड वैल्यू ले सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई अपर वैल्यू या लोअर वैल्यू नहीं ले सकते, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो बेटे। ये 10 डाटा है, 10 इंफॉर्मेशन गिवन है, किसी भी वैल्यू को आप क्या मान सकते हो, अज्यूम मीन मान सकते हो बेटे। तो चलिए मैं मान लेता हूँ 25 को अज्यूम मीन, चलिए मैं आपके मेथड पे चल देता हूँ, आप ही कहते हो मिड को मानना है, तो मैंने मिड को मान लिया, देख लीजिए 25 को मान लीजिए अज्यूम मीन, ठीक है। तो अब मेरे पास ए यानी कि अज्यूम मीन आ चुकी है इज इक्वल टू 25, मैंने ए के इक्वल में लिख दिया है 25, मैंने अज्यूम मीन 25 ले लिया बेटे। अब मुझे बस सिग्मा ऑफ डी चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है एन तो यहाँ पर अगेन 10 ही है, क्योंकि 10 बच्चों के दे रखे हैं, तो एन यहाँ पर 10 ही है। सिग्मा ऑफ डी आ जाए तो मैं तुरंत फॉर्मूला लगा के अपनी मीन निकाल लूंगा बेटे, ठीक है। तो आइए सिग्मा ऑफ डी भी आ जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स का मतलब बेटे ये पूरी सीरीज से है, तो इस पूरी सीरीज को फिर से लिख दीजिए एक्स के रूप में, 15, 20, 30, 22, 18, 40, 50, 55, 65 बेटे, पूरी x को मैंने फिर से लिख दिया, देखिए क्योंकि x माइनस a था तो पूरी x को मैंने फिर से ले दिया। अब मैं हर वैल्यू में से a को माइनस करता चला जाऊंगा जो मैंने 25 कंसीडर किया था, यानी कि 15 माइनस 25, ये बचा आपका इज इक्वल टू -10, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो -10। अब 20 में से मैंने 25 माइनस किया तो ये आपका बचा -5। अब 30 में से 25 माइनस किया तो ये बचा +5 बेटे। 22 में से 25 माइनस किया तो ये बचा -3। 25 में से 25 माइनस किया तो ये तो डेफिनेटली 0 ही आएगा। 18 में से 25 माइनस किया बेटे तो ये आएगा 18 में से 25 दे -7 आई गेस, तो ये आएगा -7 बेटे। 40 में से 25 माइनस किया तो ये बचेंगे 15, 15। 50 में से 25 माइनस किया बेटे तो ये बचेगा 25, ठीक है। 55 में से 25 माइनस किया बेटे तो ये बचेगा 30, और 65 में से 25 माइनस कर दिया बेटे तो ये बचेगा आपका 40। तो देखिए मैंने पहले पूरी x को भी देखिए, d का मतलब x माइनस a से है, तो x का मतलब वो पूरे वेरिएबल है, x सीरीज है, और उनमें से मुझे a को हटाना है। तो मैंने क्या क्या पूरी x को लिख दिया पहले, और फिर उनमें से 25 को मैं माइनस करता चला गया, मेरे पास ये आ गया। अब इन सब का टोटल मुझको करना है बेटे, मुझे सिग्मा ऑफ d निकालना है, यहां मैं लिख दूंगा सिग्मा ऑफ d इज इक्वल टू, ये आपका वैल्यू आने वाला है। देखिए
-10 और -5 कितने होते हैं? -15। -15 में प्लस के 5 ऐड किए, माइनस के 10। -10 में -3 ऐड किया, -13। -13 में -7 ऐड किए, -20। -20 में प्लस के 15 किए, प्लस के 15 तो -5। -5 में प्लस के 25 किए तो प्लस के 20। 20 और 30 कितने होते हैं बेटे? 20 और 30, ठीक है, 20 और 30 हो गए 50। 50 और 40 कितने होते हैं? 90। तो सिग्मा ऑफ डी आपका आ चुका है 90, वो भी प्लस का, पॉजिटिव 90, पॉजिटिव 90 हमारा आया है बेटे, ठीक है। तो पॉजिटिव 90 हमारा आ चुका है। अब देखिए, अब आपको निकालनी थी मीन, ठीक है, तो मीन हम अब निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ बेटे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यूं कर देता हूँ ताकि मैं फॉर्मूला आपको यहाँ लगा कर दिखा सकूँ। तो मीन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ डी अपॉन एन बेटे। ए मैंने कितना कंसीडर किया था? 25, 25, 25 को मैंने ए माना है बेटे। तो ये लीजिए 25 प्लस सिग्मा ऑफ डी मेरा अभी अभी कितना है बेटे? 90। मैंने सारी देखिए, ए आप कुछ भी ले सकते हो सकता है बुक में कोई और वैल्यू ए मान रखी हो बेटे, आप कोई और भी मान सकते हो, आप 30 भी मान सकते हो, 50 भी मान सकते हो, 65 भी मान सकते हो, 40 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो बेटे, आपका आंसर सेम आएगा, करेक्ट आएगा अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की है। तो देखिए, a प्लस सिग्मा ऑफ डी अपॉन n, a है आपका 25, सिग्मा ऑफ डी कितना है अभी अभी 90, 90, ठीक है, और n कितना है बेटे? n था हमारा 10। तो देखिए 10, 90 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, 25 प्लस 9 कितना आ गया? 34 बेटे। तो 34 आपका आ चुका है और आंसर भी आपका वेरीफाई हो चुका है। क्यों बेटे? क्योंकि तो पहले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी आपकी जो मीन थी वो 34 ही आई थी, और शॉर्टकट मेथड से भी आपकी मीन 34 ही बेटे आई है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम बेटे कोई सा भी मेथड क्यों ना यूज कर ले, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो बेटे आज हमने इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन निकालना सीख लिया बेटे, ठीक है। आप घर पे एक या दो क्वेश्चन कर लीजिएगा, वैसे तो आप टेंथ में करते आए हो इस मेथड को बेटे, पर फिर भी एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल हम डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालना सीखेंगे बेटे, ठीक है। तो बेटे आज की क्लास आपकी और होती है, मैं बेटे रिक्वेस्ट, आशीष बताओ, हाँ पीडीएफ ना, यस यस भेज दूंगा, डोंट वरी डोंट वरी, मैं पीडीएफ भेजूंगा बेटे, डोंट वरी। तो बेटे मैं कह रहा था कि अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके स्टार्ट हो चुके बेटे, मैथ्स आपका एक तरह से स्टार्ट हो चुका है, और मैथ्स को करने से आता है, समझने से आता है बेटे, प्रैक्टिस करने से आता है। तो अब आप डेली क्लास लीजिए और डेली अपने घर पर बेटे प्रैक्टिस कीजिए। कल 14 स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे मेरे पास और आज केवल 12 है, ये दो स्टूडेंट्स बड़े बेटे खराब है जो आज चले गए, वेरी बैड, बताने के बावजूद कि इम्पोर्टेंट क्लास आने वाली है, दे लैफ्ट। तो ठीक है बेटे, आज आपकी क्लास खत्म होती है, आप नेक्स्ट क्लास की तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कोई क्वेरी आपको रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बेटे कन्वे कीजिए, ठीक है, थैंक यू।